कैसे हो आप? आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन बताऊंगी। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुकी हूँ, यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप देखिए। चलिए हम आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखिए e की पावर x बीच में प्लस लगा है, फिर e की पावर x, फिर बीच में प्लस लगा है, तो आप देखिए कि फंक्शन कहां से रिपीट हो रहा है, कहां तक जा रहा है। फंक्शन आपका e की पावर x रिपीट हो रहा है, बीच में साइन प्लस का आ रहा है, जा कहां तक रहा है, तो आप देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम एक फंक्शन तो लेते हैं और बाकी जो बचा उसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? y। तो आपका कुछ e की पावर x, अब ध्यान से देखो यहाँ प्लस से पूरे को आपने y माना। अब आपको मालूम है, आपने यदि मेरे पुराने दो वीडियो देखे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में log लेना पड़ेगा। log ले ले, चलिए log y, तो यहां पर भी log ले लिया, e x प्लस y, ये हो गया। अब आपको मालूम है बच्चों log की प्रॉपर्टी होती है m log x, इसका मतलब हुआ कि x के ऊपर जो पावर है वो पावर आगे आ जाती है और फिर log आता है। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया आपका log y, ये पावर है और ये पावर आगे आ गई, तो क्या बचा? x प्लस y को आगे आ गया, ये बचा आपका log e, और बेटा log e आपका 1 होता है। आप किताबों में देखेंगे ना तो इस तरह से लिखा हुआ log e और नीचे भी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब log e की बेस में, ये बेस में बेटा e है और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे नहीं लिखा है मतलब माना जाता है कि लिखा है, कंफ्यूजन नहीं मानना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करें बेटा? 1 लिख देते हैं। तो ये हो गया log y x plus y। अब तो हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं। log x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है 1 अपॉन x होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश या dy by dx। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और अभी बताया मैंने y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, ये प्लस का y डैश है, इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये आपका बच्चों y डैश अपॉन y, ठीक है, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और इधर क्या बचा आपके पास? बचा बच्चों यहाँ 1। अब y डैश कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचा 1 अपॉन y और यहाँ क्या बचा बच्चों? 1। एलसीएम निकालिए तो आपके पास बचेगा, ध्यान से देखो 1 माइनस y इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखो y ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ कर देती हूँ dy by dx जिसे कहते हैं y डैश, बेटा y ऊपर चला गया और ये आपका 1 माइनस y नीचे आ गया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेंजर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत और बहुत सरल है यदि आपको बात जल्दी समझ में आ जाए। जैसे x प्लस, ये क्वेश्चन है बेटा आपकी ही बुक का, 1 अपॉन x प्लस, फिर है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, इस तरह से चल रहा है और इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आप देखो रिपीट क्या हो रहा है, बस इतना सा देख लो, ये देखो y, ये x आपका रिपीट क्या है उसकी बात कर ले, ठीक है, ये चीज रिपीट हो रही बेटा, देखो 1 अपॉन x, ये देखो 1 अपॉन x रिपीट हो रहा है, लेकिन अपॉन में हो रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन y मानेंगे, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, यदि आप एलसीएम लेते हैं तो y एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इस पे इसका मल्टीप्लाई एक्स वाई, और बच्चों ये बचा आपका 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। अब तो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, कर दे y स्क्वायर,
चलो पहले इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें यू इंटू वी लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, वो क्या है बेटा, वो है आपका बेटा यू सेम वी का डिफरेंशिएशन और वी सेम यू का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब एक को सेम रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, और फिर पहले को सेम रख के दूसरे को, और दूसरे को सेम रख के पहले को, ये फॉर्मूला है, स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश। आगे बढ़े, वही प्रोडक्ट रूल, ये u और ये v मान लो। फॉर्मूला कहता है u को लिखिए, u मतलब क्या लिखोगे बच्चों, x लिखो, v को डिफरेंशिएट कीजिए, v का मतलब क्या, y को डिफरेंशिएट करा, y डैश। फॉर्मूला कहता है प्लस लिखो, लिख दिया, v लिखिए, v का मतलब बच्चों y, लिख दिया, u को डिफरेंशिएट कीजिए मतलब x को डिफरेंशिएट करा, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया, u into v लग गया। अब ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं 1 होता है। ये बेटा प्लस का एक्स वाई डैश है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका माइनस का, ठीक है, प्लस का एक्स वाई डैश बच्चों, ये हो गया बच्चों माइनस का, और ये क्या बचा बच्चों, वाई बचा, ये रहा आपका। दोनों में से आप वाई डैश कॉमन निकाल सकते हैं, ये निकाला, क्या बचा बच्चों, टू वाई माइनस एक्स, देखो ये तो कॉमन, क्या बचा, टू वाई माइनस एक्स, टू वाई माइनस एक्स, और इधर बचा आपके पास y, ये मल्टीप्लाई में है, आप उसको कहां ले जा सकते हैं, डिवाइड में। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर सीखना चाहिए। y इक्वल टू a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x अप टू इनफाइनाइट। आप ध्यान से देखिए, a की पावर x बेटा एक फंक्शन है, तो हम लेट क्या करेंगे, a की पावर x रिपीट हो रहा है, तो हम y इक्वल टू a की पावर x, और बेटा इस पूरे को आपने इसको छोड़ा और जो जितना बचा उसको क्या माना बच्चों, y मान लिया, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग की आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए इसमें क्या अलग है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपने दोनों जगह सबसे पहले तो लॉग लिया, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है बेटा, कुछ इस तरह से पढ़ी है कि पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो इस हिसाब से हम पावर आगे कर देते हैं, ये पावर है बच्चों, ये पावर है, इसको आप आगे कर दीजिए तो log y, या आगे आ गया तो आपके पास बचा log a बचा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हम log लगाने का उद्देश्य क्या रखते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि पावर हट जाए और हम डिफरेंशिएट कर दें, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में तो पावर नहीं हटी, पावर नहीं हटी, नहीं हटी तो क्या करें, दूसरी बार फिर लॉग ले लो। चलिए तो यहां पर लॉग लिया, तो यहां पर भी लॉग ले लो, लॉग एक्स वाई लॉग, ये हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों के दोनों काय में बेटा मल्टीप्लाई में है, आप लॉग की अगर प्रॉपर्टी जानते हैं तो m इंटू एन होता है, लॉग m इंटू एन, log m प्लस log n, ये आपने पढ़ी है, तो इसको m पढ़िए तो इसको n पढ़ लीजिए और प्रॉपर्टी लगा देते। चलिए log क्या आपका y हो गया, दोनों चले गए प्लस में, ये हो गया, ये बेटा log m पढ़ लिया प्लस log ये n हो गया प्रॉपर्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी कहती है बच्चों कि यहाँ जो पावर है उसे आप आगे लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, पहले नंबर की, ये देखो m आगे आ गया था पावर की प्रॉपर्टी से, तो y को हमने आगे लगा लिया।
अब हमारा काम है, पावर हट चुकी है, अब हमारा काम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टार्ट करते हैं, चलिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग इसको एक्स की जगह पढ़ेंगे तो 1/log y हो गया। अब बच्चों इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y', ठीक है। अब बेटा इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यही u इंटू v, ठीक है। इसको u मान लो और इसको v मान लो, शुरुआत कर देते हैं। फॉर्मूला कहता है u लिखिए, u का मतलब बेटा y लिखिए, लिख दिया। v को डिफरेंशिएट कीजिए, तो v मतलब बेटा log x, log x को डिफरेंशिएट करा 1/x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, v को लिखिए, v को लिखने का मतलब log x को लिखिए, ठीक है। u को डिफरेंशिएट कीजिए, u को डिफरेंशिएट करने का मतलब किसको बच्चों, y को डिफरेंशिएट करो तो y'। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा फंक्शन, इसमें ना तो x है ना तो y है, डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसमें ना तो x है ना तो y है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का है, इधर ले जाते माइनस का हो गया, ये आपका बचा y log y, ये प्लस का इधर गया तो क्या हुआ बेटा, माइनस का log x, ये आपका y डैश, यहां बचा y/x, ये आपका y/x। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो y डैश आपका कॉमन मिल जाएगा, आपके पास बचा y log y अपॉन में, और बेटा यहां बचा log x, और ये y/x। आगे बढ़ जाते हैं, एलसीएम निकालेंगे आप तो y log y, इसमें इसका मल्टीप्लाई 1-y log y log x, और बेटा ये बचा y/x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें तो dy by dx या y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, बेटा ये चीज ऊपर जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, डिफरेंशिएशन हो गया y और y, y स्क्वायर log y, और बेटा ये x है, ये आपका, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में चला गया 1-y log x log y। कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन डिफरेंशिएट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी आपको बहुत और बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत और बहुत सरल, लेकिन उसका क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आपकी ही बुक का है, y इक्वल टू साइन एक्स, फिर है 1+cos x, फिर 1+sin x, फिर 1+cos x, इस तरह से चल रहा है, फिर 1+sin x, इस तरह। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये इनफाइनाइट सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट ही करना है, तो आप देखिए क्या चीज रिपीट हो रही है, कि हम उसको y मान ले तो साइन एक्स, ये 1+cos x, ठीक है, इसके बाद का ये चीज रिपीट हो रही है, तो ये 1 की जगह 1, ध्यान से देखो रिपीट हो रहा है बेटा आपका, ये रिपीट हो रहा है, ये इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा, इसका मतलब ये जो बचा है इसको हम क्या मान ले बच्चों, y मान लेते हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे यदि आप एलसीएम निकालते हो, आप ध्यान से देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+y आपका एलसीएम होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया। आप थोड़ा अगली स्टेप में जाएंगे तो अपॉन के अपॉन में 1+y है, ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं,
ये देखिए ये पूरा का पूरा कहाँ है बच्चों, डिवाइड में है, इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं, वन का वाई में मल्टीप्लाई वाई, वाई में वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई वाई कॉस एक्स। ठीक है, अब ये ऊपर बचा आपका, क्या बचा, साइन एक्स वन प्लस वाई। अब हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन करने से पहले देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। मैंने आपको बताया भी है बच्चों u इंटू वी होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। एक को सेम रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बिल्कुल वैसा ही दूसरे को सेम रख लो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। स्टार्ट कर देते हैं, y का डिफरेंशिएशन y डैश, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करोगे y डैश। इसमें u इंटू वी लगेगा, इसको u पढ़ो इसको v पढ़ो, फॉर्मूला लगाते हैं, y को सेम रखा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर cos को सेम रखा, y का डिफरेंशिएशन y डैश। बच्चों आप ध्यान से यदि देखते हो तो इसमें भी u इंटू वी लग रहा है, लगा देते हैं। पहला वाला मतलब साइन x को सेम रखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस। अब बच्चों इसको सेम रखा और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन थोड़ा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हो और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। चलिए ध्यान से देखिए, एक दो और तीन टर्म्स की बात कर रही हूँ, इनमें से y डैश कॉमन भी निकालूंगी, ये टर्म्स इधर भी लाऊंगी। चलिए y डैश यदि कॉमन निकालूंगी, ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ 2y बचेगा, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बेटा cos x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस का है, इधर ले जाओगे माइनस करेंगे, y डैश आप कॉमन निकाल रहे हैं मतलब माइनस साइन x बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका बचा 1 प्लस y cos x बचा। ठीक है, अब ये देखो ये बचा, ये हो चुका है, ये हो गया क्या, ये नहीं हुआ ये, तो बेटा ये वाला y डैश, यहाँ से भी y डैश कॉमन निकालना था, यदि यहाँ से भी आप y डैश कॉमन निकालते हैं तो आपके पास बचना था यहाँ पे 1। कंफ्यूजन है, एक और बार बता देती हूँ, देखो ये 2y आप निकाल चुके थे, ये रहा, यहाँ से y डैश कॉमन निकाला था cos x हो गया था, ये साइन इधर आ गया था, y डैश कॉमन निकाला, ये सब हो चुके थे, ये छूट गया y डैश, ये यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, तो बेटा यहाँ ये जो टर्म्स बचा है इसको तो हमने लिख लिया, और यहाँ ये वाला बचा, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, ये हो गया y साइन x। अब हमें तो y डैश पूछा है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में टर्म्स है, नीचे चला गया, डिवाइड में चला गया, ये 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस साइन x, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज के सॉल्यूशन के मेन क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए, दो वीडियो इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन के और मैंने तैयार किए हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।